अस्सलाम वालेकुम। अभी भी नींद आई है यार। कंट्रोल। मसला ये हो गया कि झोला पड़ गया, पहली फुर्सत में निकल। अस्सलाम वालेकुम। यार अभी भी नींद आई हुई है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आपको शायद पिछले ब्लॉग में बताया होगा हमारा मैच था क्रिकेट का, तो हमने जाना है अभी उधर मैच खेलने जाना। मुँह धोया, अभी बस हल्का सा नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। यार तबीयत तो चल चल के हाथ हो गया नीचे। ठीक है, गाड़ी निकालते हैं। ठीक है, और ये है कि पेट्रोल नहीं है क्योंकि अभी तो उस पर छोटी भी चले जाते हैं, ज़रा पेट्रोल की बचत हो जाएगी। तो गाड़ी शाड़ी निकालना है ना, फिर ज़रा वहीं चौक पे जाके मिलते हैं आपसे। वो शहरी को भी रास्ते में उठाना है, हमने उसको भी उठाया, भी कॉल करके उठाया। वो भी बनती इंसान। यार निकल तो आए हम, लेकिन मैं आपको उसके एक बात बताऊँ तो बड़ा औखा है यार इस टाइम निकलना घर से बाहर। स्पेशली मेरा बड़ा मुश्किल है, वो कलम होता है। इस टाइम गाड़ी निकालना बड़ा अजाब का काम है यार। अभी मैं देखो ना जिस रास्ते में जा रहा हूँ ना, हालात नहीं वैसे इस टाइम जाने के, जाना भी नहीं चाहिए लेकिन शौक तक कोई मूल नहीं। बस अभी वहाँ जाते हैं, शहरी को उठाते हैं। शहरी भी उठ गया होगा, रेडी होगा। शहरी को उठा के चलते हैं चौक पे, वहाँ सारे लड़के अपना इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, मैच खेलने। तो बड़ा मजा आएगा आज। फिर आज जो फिर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर ऐसा ही हो ना सारा टाइम, तो मरी रोड सच्ची कोई रोड ही नहीं है। रश 24 घंटे रश होता है इधर, कसम खुदा की। बाइक निकालने की जगह नहीं होती, वैसे तो होती है, हम निकाल लेते हैं, लेकिन गाड़ी पे बंदा ख्वार हो जाता है इधर। बाकी हम चौक जा रहे, सीधा डायरेक्ट चौक, स्ट्रेट लैंडिंग आएगा हाशिम शाह चौक। कासिम भाई आ गए हैं, साथ शादी भी आ गए, पीछे बैठे हैं। अब हम सीधा जा रहे हैं उधर ग्राउंड, नोनी वहाँ इंतजार कर रहा है, कला ख्वार हो रहा है। अब सीधा वहाँ जाएंगे, मैच आज खेलेंगे। पहले इन्होंने जाना था वहाँ, कौन सा ग्राउंड था यार पिछली दफ़ा वाला, कौन सा ग्राउंड था यार, स्टार क्लब। वहाँ का व्यू इतना मज़े का है जिसकी कोई याद नहीं है। नेक्स्ट वीक दिखाएंगे आपको, नेक्स्ट वीक वहाँ जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। वो ऐसे लगता है चित्राल में बंदा गिरा, आसपास पहाड़ शहाड़, इतना सेक्सी व्यू है वहाँ। वो जाते हैं मैच वहाँ खेलते हैं जाके, वो आपको क्लिप सिखाएंगे उसके। यार ग्राउंड आ गए थे हम, ठीक है, रश पड़ा हुआ ग्राउंड में थोड़ा बहुत। अच्छा मसला ये हो गया कि झोला पड़ गया, वो देख सकते हैं वहाँ चंडो चंडी सीन हुए हैं। रोला ये पड़ा, क्या रोला पड़ा हुआ है, रोला ये पड़ा है कि ये लोग आ गए हमसे पहले पिच पे। तब हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने खप डाली हुई है कि हम यहाँ के पुराने प्लेयर हैं। अब देखो क्या होता है, दिखाओ जी इधर। बस होना चाहिए यार, मैच होना चाहिए, मैच खेलना है। मैं बड़ी दूर से यार मैच खेलना है, मैच होना चाहिए, मैच लाजिम है आज। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जान। बस अब मैच हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। बाकी यार पिच से चौके हो जाए ना, अगर आप ये रोला खत्म हो जाए ना, आपको फिर दिखाते हैं मैच आज हो जाए। मैच बड़े मज़े का होगा, आज मौसम भी थोड़ा बेहतर है, इतनी ठंड नहीं है। लास्ट मैच में बहुत ज़्यादा ठंड थी यार, वो ग्राउंड मज़े का था, वो ग्राउंड बहुत क्लास का ग्राउंड था, प्रॉपर पिच थी। और कितनी फीस यार उस ग्राउंड जी, मेरे ख्याल से पेड़िया फॉर यू आशम शाह, पेड़िया फॉर यू। इसको मैंने कहा जाके चंडो चंडी हो जा उधर, लम्बा पहाड़ बंदों को उधर मान नहीं रहा मेरी बात। यहाँ माशाल्लाह से पंच छः वो ब्लॉगर कह रहे हो, ब्लॉगर भाई भी है हमारे वहाँ एक, लेकिन वहाँ बॉडी बिल्डर बड़े हैं। मैं कल लगे वहाँ पकड़ लो बंदों को, शुरू हो जाओ। मार पड़ती है, बहुत मार पड़ती है ना करो, सर्दी बहुत है, सर्दी में ये बच्चे हैं, इन पे हम जोर डाल सकते हैं। बाकी वही बात है, वही मैं कह रहा हूं, इसलिए तो हमने भेजा, नहीं तो वो अपने राइट पे हैं, हम रॉन्ग कर देते हैं। कोई शेंटू बच्चे हैं यार, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं क्या बनता है। ना हुआ तो फिर यही है कि F9 जाना पड़ेगा, वहाँ ट्रैक्स हैं, वहाँ जा सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छा है, वो ठीक है, वो जरा मज़े की जगह है, साथ पहाड़पुर भी है ना, जरा व्यू मज़े का आता है, व्यू मज़ा आएगा ना, वो असल मज़ा व्यू है। अभी देखो ना यार कचरा शचरा पड़ा, इतना मज़ा नहीं आएगा। बाकी देखते हैं यार अभी क्या सिस्टम है। मैच की पहली बॉल होने लगी है और ये वाइड बॉल, गजब बेइज्जती है। यार वो मैच शायद खेल लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए थे, बड़ा मज़े का मैच था भाई। आप लेकिन एक कितनी विकटें ली थी, दो विकटें ली थी आपके भाई ने माशाल्लाह से, मैच जीत गए थे। अभी हम आए थे यार, रिफ्रेशमेंट रश इतना था अंदर यार, वो बस जगह इतनी मुश्किलों से मिली थी हमें, खैर करे जगह इतनी मुश्किलों से मिली थी, बस दस्सी नाश्ता किया, निकल गए हैं, बस वो टाइम ही नहीं मिला, नहीं तो तुम लोगों के जज्बात जगाते हैं हम, पता चलता तुम थके भी इतने वाले थे, नींद भी नहीं पूरी थी रात में, मैच के चक्करों में। एक्साइटमेंट होती है ना यार बंदे को, बस फिर जल्दी दस्सी नाश्ता किया, मतलब शायरी को उतारेंगे घर, फिर जाएंगे अपने घर। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे, बाकी स्टे ट्यून फॉर मोर ब्लॉग्स, आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। अल्लाह हाफिज़, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चल ठीक है।